नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। जी हाँ, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। हम आपको एक भगवानगढ़ की बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। भगवानगढ़ में नायक समाज ने किया कुरीति त्यागने का फैसला। सूरतगढ़ के गांव भगवानगढ़ में शंकर बोगिया, जो सांसारिक यात्रा पूरी कर चुके हैं, उनके पीछे परिवार ने यह निर्णय लिया है कि पूरे समाज को संदेश देंगे कि वो ओढ़ावनी व मृत्युभोज जैसी प्रथा को बंद करने का निर्णय लें और समाज को बोलें कि हमने तो इस प्रथा को छोड़ दिया है, और पूरे समाज से अपील करेंगे कि आप भी इस प्रथा को छोड़ दो। बोगिया परिवार ने सामाजिक तानों की परवाह ना करते हुए इतना बड़ा फैसला लिया। समाज के लोगों ने भी इस निर्णय में शामिल होते हुए सप्तली की उढ़ावनी और मृत्यु भोज जैसी प्रथा को बंद करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। पर लोगों से उन्होंने अपील की कि आप भी इस प्रथा को त्याग करो, समाज हित के कार्य करो। बोगिया परिवार के इस कार्य करने पर अनेक नायक समाज के वरिष्ठ लोगों ने उन्हें साधुवाद देने उनके घर पहुँचे। सूरतगढ़ तहसील अध्यक्ष रघुवीर नायक, दीपाराम नायक, पालीवाल नायक, नारायण नायक, करतार सिंह नायक, सरवण आर्मी, राजू भगवानगढ़ से संदीप, सोनू शोपत आदि ग्रामीणों ने शपथ ली इस कुरीति को त्यागने की। ना मृत्यु भोज करेंगे, ना करने देंगे, और जो करेगा उसे समझाइश करके मृत्यु भोज का आयोजन करने से रोकेंगे और ओढ़ावनी प्रथा बंद करेंगे। इससे समाज के अंदर अन्य समाज में भी अच्छा संदेश जाएगा और लोग मृत्यु भोज जैसे कार्यों पर अनाप शनाप खर्च करते हैं और कर्ज के अंदर दब जाते हैं और उस कर्ज को ज़िंदगी भर चुकाते रहते हैं। इस निर्णय से नायक समाज का उत्थान होगा और उनको देखकर अन्य समाज भी इस प्रथा को छोड़ने के लिए आगे आएंगे। ऐसा नायक समाज ने एक अनूठी पहल की है जो प्रशंसनीय है, जो तारीफ़ काबिल है। गांव भगवानगढ़ तहसील सूरतगढ़ में हमारे आदरणीय इस परिवार के मुख्य शंकरलाल जी, जो कि सांसारिक यात्रा पूरी कर गए और आज परिवार ने, जो उनके पीछे सुपुत्र हैं सब रामपाल जी, जो इस दुनिया में नहीं है, और उनसे छोटे साब राम जी, रामस्वरूप जी, जगदीश जी और विनोद जी, इन्होंने समाज के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है कि इनके पिताजी सारी यात्रा जो पूरी कर गए हैं, इन्होंने उनके पीछे मृत्यु जैसी जो कुरीति है उसका बिल्कुल त्याग किया है और अडौनी प्रथा को इन्होंने बंद किया है। पूरे समाज को इन्होंने ये एक ऐसा मैसेज दिया है कि इस मृत्यु बोझ से हमारी न जाने कितनी पीढ़ियाँ डूब गई और आगे भी न जाने कितने बच्चे डूबते जा रहे हैं। तो इस कुरीति को छोड़ करके इन्होंने पूरे समाज को एक बड़ा मैसेज दिया है। हम इन पूरे परिवार का साधुवाद करते हैं और आज हम शपथ लेते हैं आज के बाद हम पूरा समाज इस मृत्यु भोज को त्यागते हैं। आगे भी समाज में ऐसी कोई कुरीति करता है तो हम उन्हें भी समझाकर मृत्यु भोज और अढ़ावनी प्रथा को